मेटा हो गया उसका नाम, क्या बात कर रहे हो? मेटा ऐसा क्यों? अभी शो तो नहीं कर रहा, ये तो फेसबुक शो कर रहा है। ठीक, हम शुरू करते हैं, हमारा शुरू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों करें, हमारा शुरू हो गया ना फेसबुक पे। ठीक है, आप सबको आज हमने इस प्रेस वार्ता में इसलिए बुलाया है कि जब पूरे देश में दिवाली की तैयारियां हो रही हैं, लोग बाजारों के अंदर नए कपड़े खरीद रहे हैं, घर को सजाने का सामान खरीद रहे हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दे रही हैं, एडवांस में तनख्वाहें दे रही हैं, उस समय दिल्ली का एक ऐसा वर्ग है जिसको पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। वो वर्ग है दिल्ली के सफाई कर्मचारी, जिन्होंने कोरोना वॉरियर का भी काम किया, मेहनत की, दिल्ली को रोज सफाई करने के लिए सुबह सुबह झाड़ू उठाते हैं, सफाई करते हैं, उन लोगों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। डेंगू का कहर दिल्ली के अंदर छाया हुआ है और हमने पहले भी बताया कि कैसे एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स अभी तक घर घर जो है उन्होंने जाना नहीं शुरू किया, और अब उसका मूल कारण निकल के आया है कि डीबीसीज, जिनको डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर कहते हैं, उनको पिछले 3 महीने से नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तनख्वाह नहीं दी है। डेंगू का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, टीचर्स को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो आप बताइए कि इनकी दिवाली का क्या होगा? और शर्म की बात यह है, अपने सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, टीचरों को तनख्वाह नहीं दी, और नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह कल अपने घर पे दिवाली मिलन का समारोह कर रहे हैं। ये तो बेशर्मी है कि आपके सफाई कर्मचारियों को आपने तनख्वाह नहीं दी और आप अपने घर में दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि तुरंत इन कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह दी जाए ताकि इनके घर में भी दिवाली मन सके। दूसरा विषय, हमने कुछ दिनों पहले एक प्रेस वार्ता की थी कि एमसीडी ने कई बार वादा किया और हड़ताल खुलवाते वक्त भी वादा किया कि 2003 से पहले के सफाई कर्मचारियों को वो पक्का करेंगे, और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो भाजपा की तरफ जवाब आया कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, हम तो कब का पहले ही पक्का कर चुके हैं, 2003 से पुराने कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शुक्रवार 29 अक्टूबर की स्टैंडिंग कमेटी की एजेंडा, ये एजेंडा है इनका, इन्हीं का एजेंडा है, भाजपा की नॉर्थ एमसीडी का एजेंडा है, और आज ये एजेंडा लेके आए हैं जिसमें कह रहे हैं कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सिर्फ सफाई कर्मचारियों को ही अगर लें तो 2003 से पहले के करीब 6646 सफाई कर्मचारी अभी भी पक्के नहीं हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, जिसको इन्होंने 2 हफ्ते पहले बोला था कि देखिए आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, अब ये एजेंडा लेके आए हैं। और शर्म की बात यह है, अभी भी इनको पक्का नहीं किया जा रहा, 6646 कर्मचारियों में से मात्र 500 कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही जा रही है, उनको ना एरियर्स देने की बात कही गई है, कब देंगे यह भी नहीं बताया गया, मगर 500 कर्मचारियों को अब ये जाके पक्का कर रहे हैं, और ये वो आज के कर्मचारी नहीं है, ये 2003 से पहले के कर्मचारी जिनको कब का पक्का हो जाना था, और 2003 के बाद के तो हजारों हजार कर्मचारी हैं जिनका अभी इन्होंने नाम भी लेना शुरू नहीं किया, जबकि
एमसीडी के पास सैंक्शनड वेकेंट पोस्ट करीब 2673 सैंक्शन वेकेंट पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हैं 17215 और इसमें 2673 पोस्ट इनके पास खाली हैं। उसके बावजूद जो है ये सिर्फ 500 लोगों को पक्का करने का एक एजेंडा स्टैंडिंग कमेटी में लेके आए हैं। यानी कि जो वादे भाजपा ने पिछले दो चुनावों में किए वो वादे भी अभी तक इन्होंने पूरे नहीं किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।